हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने गेट एग्जाम 2024 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने कुछ दिनों पहले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2024 के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए थे। सिलेक्शन यहाँ पर आपका गेट एग्जाम में जो आप स्कोर करोगे उसके आधार पर किया जाएगा। डेट की अगर बात करें तो कैंडिडेट से गेट 2024 एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त 2023 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे लास्ट ईयर। अब यहां पर आपका गेट 2024 का एग्जाम 3, 4, 10 और 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। आप अपने एडमिट कार्ड 3 जनवरी 2024 से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर गेट एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने गेट 2024 की ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, या फिर गाइज आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करोगे gate2024.iisc.ac.in, उसके बाद भी आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पर आकर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर नोटिफिकेशन सेक्शन में यहां पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर ये जो मार्क्यू चल रही है, यहां पर आपके एडमिट कार्ड का लिंक आपको एक्टिव कर दिया जाएगा, या फिर आप व्यू ऑल इस टैब पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने सभी जो नोटिफिकेशन रिलीज होंगे यहां पर या फिर जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं वो यहां पर आपको शो कर दिए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड का लिंक भी आपको यहां पर शो कर दिया जाएगा। तो या फिर आप गाइस यहां पर गेट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज नाउ ओपन, आप इस लिंक पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके या फिर लॉगिन के लिंक पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी और ईमेल या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, जैसे कि 9 - 2 कितने होते हैं, तो यहां पर आपको 7 एंटर करना होगा। ये यहां पर रैंडमली कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको यहां पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, किस वेन्यू पर किस डेट को आपका एग्जाम होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए जाएंगे जिनको आपको एग्जाम के दौरान फॉलो करना है। तो यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को आपको केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपने साथ एक वैलिड फोटोयुक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड नोटिस का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गेट 2024 की सभी डेट्स का यहां पर लिस्ट खुल जाएगी। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो आपका एडमिट कार्ड। गेट 2024 का एडमिट कार्ड आपका 3 जनवरी 2024 को यानी कि आज ही वेडनेसडे को रिलीज होने जा रहा है। किसी भी टाइम आपके सामने आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और जो आपका गेट 2024 के एग्जामिनेशंस है वो यहां पर आपके 3, 4, 10 और 11 फरवरी 2024 को सैटरडे और संडे के दिन कंडक्ट होने जा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप चेकआउट कर सकते हो अपने एग्जाम्स की टाइमिंग। यहां पर सैटरडे को जो आपका 3 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा वो यहां पर 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट होगा, सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच में आपका यहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां पर सेशन S1 में आपका AR यानी कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का, यहां पर केमिस्ट्री और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहां पर एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग का पेपर होगा और सेकंड शिफ्ट में आपका यहाँ पर ज्योमेट्री इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स का यहाँ पर पेपर कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका पेपर यहाँ पर 4 फरवरी को दो शिफ्ट में कंडक्ट होगा, 10 फरवरी को भी दो शिफ्ट में और 11 फरवरी को भी आपका पेपर यहाँ पर दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट 9:30 से 12:30 बजे के बीच है और दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच है। अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर अलग अलग डेट को अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होंगे। आप यहाँ से पूरा शेड्यूल चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये पूरी डिटेल आपके एग्जाम की यानी कि आपका एग्जाम किस डेट को होगा, किस वेन्यू पर और किस पेपर के लिए आपके एडमिट कार्ड में भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पर्टिकुलर कैंडिडेट के, वहां से भी आप चेकआउट करके उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप अपना गेट 2024 एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।